हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेवल पिकल्स चैनल। और जैसे कि मैं आपसे बन के सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो में कहा था कि अब से मैं टेक न्यूज लेकर आऊंगा संडे को, तो आज मैं टेक न्यूज लेकर आया हूं। पहले हम टेक न्यूज की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। तो सैमसंग लॉन्च करने वाला है गैलेक्सी F62 15 फरवरी को इंडिया के अंदर, और इसकी जो प्राइस रेंज है वो रहने वाली 20,000 to 25,000 के बीच, और साथ ही साथ इसमें होगा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज की अगर हम बात करें तो आ रही गूगल फोटोज से। तो गूगल फोटोज जो है वो एक नया फीचर लॉन्च करने वाला है एंड्रॉइड में वीडियो एडिटर का, और इसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये फीचर्स केवल गूगल वन सब्सक्राइबर्स के लिए होंगे। और ये सारे फीचर्स पहले iOS में आ चुके थे और अब ये एंड्रॉइड में भी लॉन्च होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज आ रही है माइक्रोमैक्स की तरफ से। तो माइक्रोमैक्स लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्दी 5G फोन, और उसके साथ साथ उसने ये भी अनाउंसमेंट कही है कि वो इन नोट में बहुत ही जल्दी अप्रैल में एंड्रॉइड 11 जो है वो देने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो इसमें सैमसंग गैलेक्सी A12 जो है वो लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी, और इसका प्राइस रेंज जो है वो 15,000 रहने वाली है, और 4GB रैम का वेरिएंट ये होगा क्वाड प्राइमरी कैमरा के साथ। उसके बाद जो लोग पोको यूज करते हैं पो ऐप को, तो ये टेक न्यूज उनके लिए है। तो वो जो जिसे इंडियन ट्विटर कहा जाता है, तो उसमें डाटा ब्रीच का इशू जो है वो आ रहा है। तो इसके लिए फ्रेंच हैकर ने इसके बारे में बताया कि इसमें डाटा ब्रीच की इशू आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज आ रही है फेसबुक से। तो फेसबुक वर्क कर रहा है एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट वॉच के ऊपर, और ये अगले ईयर लॉन्च होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज आ रही है इसरो की तरफ से और मैप माई इंडिया की तरफ से। तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं गूगल मैप्स का जैसा एक ऐप बनाने का, ताकि आप मैप्स को इंडिया में इंटीग्रेट कर पाएं इजीली। और ये इसरो और मैप माई इंडिया का इनिशिएटिव है एक साथ। उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज है वो आ रही है शाओमी की तरफ से। तो शाओमी अपना फ्लैगशिप MI Mix 4 लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अंडर डिस्प्ले कैमरा। उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम वर्ल्ड का फर्स्ट 5G मॉडल जो है वो लॉन्च करने वाला है, जिसकी स्पीड होने वाली 10 Gbps की। उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज आ रही है शाओमी की तरफ से। तो शाओमी जो है बहुत जल्दी नए ऑडियो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने वाला है February 22 के बाद से, और ये इसमें ज्यादातर वायरलेस स्पीकर वायरलेस ईयरफोन्स वगैरह वो लॉन्च करने वाला है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर एंड होता है हमारा टेक न्यूज सेशन, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को आज की टेक न्यूज कैसी लगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।